हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? इंट्रोडक्शन। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ बिलियन ऑफ नर्व्स एंड इवन मोर न्यूरोग्लिया। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, वो बिलियंस ऑफ नर्व्स एंड न्यूरोग्लिया से ये बनता है। ओके, ये मैक्सिमम अबाउट 2 किलो का होता है हमारे बॉडी में। ये इसका टाइप देखते हैं, द मेन टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, वहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। और सेकंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उससे नर्वस सिस्टम आउटसाइड एंड CNS, मतलब CNS के जो बाहर रहता है, मतलब हमारा शरीर में बाकी सब ऑर्गन्स में जो रिस्पॉन्सिबल के लिए जो रहता है, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, एक्सेप्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बाकी सब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ओके, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होमोस्टेसिस। ये होमोस्टेसिस के लिए, ये हमारा बॉडी में होमोस्टेसिस मेंटेन करता है ये नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, द एम इज टू कीप कंट्रोल्ड कंडीशन विद इन द लिमिट्स दैट मेंटेन लाइफ। ओके, नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटीज़ बाय रिस्पॉन्सिंग रैपिडली यूजिंग नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स के दौरान हमारा बॉडी का रिस्पॉन्सिबल करता है एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी होता है कैसे, रिस्पॉन्डिंग रैपिडली, जल्दी जल्दी मतलब रिस्पॉन्सिबल करता है हमारा बॉडी। ओके, बिसाइड्स हेल्पिंग टू मेंशन होमोस्टेसिस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रिसेप्शंस बिहेवियर एंड मेमोराइज। हमारा बिहेव कैसा होगा और हमारा जो ज्ञान बुद्धि स्थिति है वो मेंटेन करता है। ओके, इट ऑल्सो इनिटेटेस ऑल वॉलेंटरी मूवमेंट। ये वॉलेंटरी मूवमेंट भी मेंटेन करता है। ए नर्वस सिस्टम इज मेडअप ऑफ नर्वस टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू इज मेडअप ऑफ न्यूरोन्स एंड न्यूरोग्लिया। ये जो बनता है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया में, जो पहले ही पढ़ चुके हैं हम। ओके, न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल। ये नर्वस सिस्टम के एक यूनिट होता है, नर्व सेल जो होता है। ओके, नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व एंड देयर ब्रांचेस, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व एंड देयर ब्रांचेस, एंटरिक प्लेस प्लेक्सस एंड सेंसरी रिसेप्टर। द स्कल इनक्लोज द ब्रेन व्हिच कंटेन्स अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन्स, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 1 through 12 इमर्ज फॉर द बेस ऑफ द ब्रेन। ए नर्व इज ए बंडल ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ एक्शंस एंड एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। ओके, सो हम यहाँ पर देखते हैं नोट पे क्या लिखा है। इच नर्व फॉलोज द डिफाइंड पथ एंड सर्व एज ए स्पेसिफिक रीजियन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल, राइट क्रेनियल नर्व ऑन कैरीज द सिग्नल फॉर सेंस ऑफ स्मेल फ्रॉम द राइट नोज टू ब्रेन। ओके, द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू ब्रेन थ्रू द फोरामेन मैग्नम ऑफ द स्कल एंड इज इनकर्ड बाई बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कोलम। ओके, इट कॉन्टेंस अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन्स। ये हमारे जो वर्टिब्रा कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो 100 मिलियन न्यूरॉन्स से बना होता है। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इट्स सर्विंग ए स्पेसिफिक रीजन ऑन राइट एंड लेफ्ट ऑफ द बॉडी। ओके, ये हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड में बन जाता है, मतलब फैल के जाता है, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग हमारा बॉडी में जो है। ओके, गैंग्लिया आर द स्मॉलेस्ट मैस ऑफ न्यूरॉन टिश्यू कंटेनिंग प्राइमरीली सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। गैंग्लिया जो होता है स्मॉल, मतलब ये मैस ऑफ न्यूरॉन टिश्यू, नर्वस टिश्यू के एक मतलब बना होता है ये, कंटेनिंग प्राइमरीली सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के सेल बॉडी बनाता है। लोकेटेड कहाँ पर? ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड है ये। ओके, दिस आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द क्रेनियल एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा ब्रेन जो क्रेनियल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लोकेटेड, मतलब बहुत क्लोजली रहता है ये। इन द वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ GIT
जेट के जो वॉल होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज एंट्रिक प्लेजर्स दैट हेल्प्स रेगुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम. सेंसोरी रिसेप्टर आर आइदर द डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स और सेपरेट स्पेशलाइज्ड सेल दैट मोनिटर द चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल फोटोरिसेप्टर ऑफ रेटिना इन आइज. हमारा बॉडी में जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में जो नर्वस सिस्टम है ना, वहाँ पर वो रहता है डाइजेस्टिव करने के लिए, सब कुछ रेगुलेट करने के लिए. और हमारा जो रिसेप्टर रहता है जिससे वो स्टिमुलेशन होता है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके लिए. तो फोटो रिसेप्टर हमारा जो आँखों में रहता है, अगर धूप आए तो क्या होता है, हम जल्दी से आँखों बंद कर लेता है. वही है हमारा नर्वस का काम. फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या क्या काम करता है ये देखते हैं. फर्स्ट, सेंसरी फंक्शन. सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट द इंटरनल स्टिमुलस लाइक इंक्रीज इन ब्लड एसिडिटी, सेंड सिग्नल्स टू क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, देन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू सेंसरी एंड एफरेंट न्यूरॉन्स. ये जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, ये रिसेप्टर होता है. ये क्या है सेंसरी रिसेप्टर, मतलब डिटेक्ट द इंटरनल और इंटरनल स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन होता है तो ये डायरेक्ट स्पाइनल नर्व में जाता है, उससे स्पाइनल नर्व टू सेंट्रल मतलब ब्रेन में जाता है. ब्रेन अगर एनालिसिस करें तो ये इफेक्ट करेंगे. ओके, इंटीग्रेटिव फंक्शन. इंटीग्रेटिव फंक्शन क्या होता है. नर्वस सिस्टम इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय द एनालाइजिंग द स्ट्रॉन्ग सम ऑफ देम एंड बाय मेकिंग डिसीजन फॉर appropriate response. Neurons that participate in integration and interneurons who axons extend only for short distance and contact nearby neuron in the brain, spinal cord and ganglion. तो हमने पहले कहा था जो सेंसरी वो सिर्फ रिसेप्टर होता है, वो स्टिमुलेशन होता है. तो हमारा जो मतलब जो स्टिमुलेशन होता है वो नर्व इंपल्स को हमारा ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है, उसके बाद ब्रेन में. तो इंटीग्रेटिव फंक्शन क्या कहते हैं, ये दोनों ही कर सकते हैं, सेंसरी एज वेल एज इफेक्टिंग भी कर सकते हैं, एनालिसिस करके कर सकते हैं. और मोटर का फंक्शन क्या होता है. मोटर का सिर्फ दिस इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिंग टू इंटीग्रेशन डिसीजन. द न्यूरॉन्स दैट सर्व दिस फंक्शन आर मोटर न्यूरॉन्स दैट कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू क्रेनियल और स्पाइनल नर्व सेल्स एंड ऑर्गन्स कनेक्टेड बाई मोटर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड इफेक्टर. मसल फाइबर्स एंड ग्रैंडुलर सेल्स आर कॉल्ड इफेक्टर. सो ये मोटर का फंक्शन, मोटर नर्व जो होता है ये सब इफेक्ट करता है. मतलब सेंसरी ये सिर्फ इंपल्स को भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन. ओके, और इंटीग्रेटिव दोनों ही कर सकते हैं. सेंसरी मतलब इस जो नर्व इंपल्स वो ब्रेन में भेज सकता है और ब्रेन से भी इफेक्ट कर सकता है. और मोटर नर्व का फंक्शन क्या होता है, ये सिर्फ इफेक्ट करता है जो ब्रेन से जो ब्रेन जो एनालिसिस करता है उसको, उसके हिसाब से ये इफेक्ट करता है क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, ये सब सोचते हैं मोटर फंक्शन. सो इफ़ यू वांट यू कैन कलेक्ट द पीडीएफ नोट्स फ्रॉम मी, तो गो टू कमेंट सेक्शन एंड कमेंट्स. एंड इफ़ यू वांट टू स्क्रीनशॉट दिस एंड मेक द नोट्स ऑफ योर ओन. So you can, and thank you so much for watching this video. Thank you.